हलवा एक ऐसी रेसिपी है जिसे हम अक्सर किसी भी त्यौहार पर या फिर किसी भी खुशी के मौके पर बनाते ही हैं। तो आज बनाएंगे दूध में भिगोई हुई सूजी का हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा रसीला और टेस्टी बनता है, और इसका टेस्ट आपको मूंग दाल के हलवे के जैसा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दूध वाली सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी। मैंने यहाँ पे सारा मेजरमेंट एक कटोरी का लिया है, और आप चाहे तो किसी कप से भी नाप कर इसे ले सकते हैं। मैंने लिया है एक कटोरी सूजी, और अब इसी कटोरी से माप कर लेंगे एक कटोरी दूध। जिस कटोरी से मैंने सूजी को माप कर लिया है, उसी कटोरी में एक कटोरी दूध को लेंगे। दूध यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है, इसमें गर्म दूध का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दूध के साथ सूजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूजी दूध के अंदर अच्छे से डूबी हुई होनी चाहिए, क्योंकि भिगोने के बाद सूजी साइज में फूल जाती है। इसके लिए सूजी को 5 से 7 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इसके लिए आगे की प्रोसेसिंग को कर लेते हैं। यहाँ लिया है एक चाय वाला पैन, और अब जिस कटोरी से हमने सूजी और दूध को नाप कर लिया था, उसी से नाप कर हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी पानी, यानी 1 कटोरी सूजी और 3 कटोरी पानी, जो कि इसका परफेक्ट मेजरमेंट होता है। और इसके बाद आधी कटोरी से भी कम थोड़े से पानी का यूज हमने इसमें और किया है, यानी 2.25 कटोरी पानी का यूज इसमें हमने किया है। अब इसी पानी में डालेंगे 10 से 12 केसर के धागे, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अब इलायची और केसर को अच्छे से पानी में मिक्स करने के बाद इसे गैस पर एक उबाल आने के लिए रख देंगे। इस पानी को हमें ऐसे ही गर्म कर लेना है, यानी सिर्फ एक बॉयल आने पर फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। और अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, और अब जिस कटोरी से हमने सूजी को नाप कर लिया था ना, उसी कटोरी से नाप कर लेंगे 1 कटोरी देसी घी। तो अभी हमें यहाँ पर सारा घी नहीं डालना है, इसका यूज हमें थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से करना है। तो पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी जब गर्म हो जाए, तब इसमें डालेंगे 7 से 8 काजू, 7 से 8 बादाम, जिनको मैंने 2 भागों में इस तरह से काट लिया है। और साथ ही इसमें लिया है थोड़ा सा सूखा नारियल, इसको भी मैंने पतले स्लाइसिस में काट लिया है। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच के जितना किशमिश। ड्राई फ्रूट्स को हमें यहाँ पे ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, बस इनके अंदर हल्का सा क्रंचीपन आने तक ही लो फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करना है। रोस्ट करने से सभी ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो बस अब निकाल लेते हैं इन्हें प्लेट में। अब सेम पैन में 1 से 2 चम्मच घी और डालेंगे, और आप चाहें तो इसी टाइम पर सारा घी डाल सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में 2 से 3 बार करके डालने वाली हूँ। और इधर देखिए, सूजी हमने दूध के साथ भिगो कर रखी थी, अब ये भी अच्छे से फूल चुकी है। तो बस इसे अब हम एक बार और मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसे डाल देंगे कढ़ाई में। फ्लेम को अभी हमें मीडियम रखना है। अब इस सूजी को हमें मीडियम फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है, जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना होने लगे। इस प्रोसेस में हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। जैसे ही पैन के अंदर हम सूजी को डालेंगे, तो कुछ देर बाद इसमें गुठलियाँ सी बनने लगेंगी, क्योंकि हमने सूजी को दूध में भिगो कर रखा था। पर जैसे जैसे सूजी को हम रोस्ट करते जाएंगे, इसे स्पैचुला या चम्मच से मिक्स करते जाएंगे, तो ये गुठलियाँ अपने आप ही ख़त्म होने लगेंगी। अब सूजी को स्पैचुला या चम्मच से अच्छे से मैश करते जाएंगे, और इसे मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है। धीरे धीरे देखेंगे कि सूजी के अंदर जितनी भी गुठलियाँ सी बनी थी, वो सब निकलने लगी हैं। सूजी को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, और बाकी का घी हम ज़रूरत के हिसाब से बाद में डालेंगे, और इसे मिक्स कर देंगे। अब घी के साथ फिर से सूजी को भून लेंगे। तो सूजी को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और अब इसका हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है। तो बस इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन को डालने से हलवे का कलर, स्वाद और टेक्सचर दोनों ही बहुत बढ़िया आता है। अब बेसन और सूजी को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें 1 से 2 चम्मच घी फिर से डालेंगे, और इसे मिक्स कर देंगे। अब बेसन भी पकने के बाद थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसी के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाला था। यहाँ आपको बेसन बाद में डालना है, क्योंकि बेसन जल्दी से भून जाता है,
जबकि सूजी को भुनने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे बेसन को बाद में डाला है। और 1 से 2 मिनट बेसन को भी रोस्ट करने के बाद देखिए सूजी और बेसन अब अच्छे से भुन चुके हैं और इनका कलर भी अब हल्का सा चेंज होने लगा है। इसमें हमने जो घी डाला था वो भी अब अलग से दिखाई देने लगा है, यानी सूजी और बेसन अब अच्छे से भुन चुके हैं। अब सूजी और बेसन को अच्छे से भुनने के बाद इसमें ये कटे हुए रोस्टेड ड्राई नट्स को भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इधर पानी को बॉईल करने के बाद इसके अंदर केसर का बढ़िया सा फ्लेवर और कलर भी आ चुका है, तो बस इसे अब हम थोड़ा थोड़ा करके हलवे में डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस स्टेप से हलवा एकदम दानेदार और टेस्टी बनेगा, क्योंकि हमने इसमें गर्म गर्म पानी का यूज किया है, ठंडे पानी का यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे जैसे इसमें हम पानी डालते जाएंगे सूजी फूलती जाएगी और इसी से हमारा बढ़िया सा दानेदार परफेक्ट टेक्सचर वाला सूजी का हलवा बनकर तैयार होता है। और अब ये गर्म किया हुआ सारा पानी हलवे में डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि सूजी सारा पानी अपने अंदर नहीं सोख लेती। तो अभी आपको इस हलवे का कलर एकदम से वाइट वाइट सा लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इसमें चीनी नहीं डाली है, पर जैसे जैसे हम इसे चीनी के साथ पकाएंगे इसका कलर, टेस्ट और टेक्सचर एकदम से चेंज हो जाएगा। तो देखिए थोड़ी देर ही पकाने के बाद अब सूजी ने सारा पानी अपने अंदर सोख लिया है और ये एकदम ड्राई ड्राई सी भी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी और जिस कटोरी से हमने सूजी को नाप कर लिया था उसी कटोरी से इसमें चीनी डालेंगे। अब चीनी डालने के बाद इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि सारी चीनी हलवे के अंदर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। 1 से 2 मिनट हलवे को पकाने के बाद ये देखिए हलवे में सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, क्योंकि सूजी गर्म थी, पानी भी गर्म था, जिसकी वजह से चीनी भी बहुत जल्दी घुल गई है। और अब इस हलवे का कलर और टेक्सचर भी एकदम चेंज सा हो गया है। इस तरह से फ्रेंड्स ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और इसका स्वाद आपको मूंग दाल के हलवे के जैसा लगेगा। अब हलवा बनने के बाद इसके ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से हलवे में बढ़िया सी शाइन आ जाएगी और ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो थोड़ी देर और पकाने के बाद ये देखिए हलवे ने पैन को अब पूरी तरह से छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो इस तरह से हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रसीला सूजी का हलवा बनकर तैयार होता है। अगर आपने इस तरीके से अभी तक हलवा नहीं बनाया है तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसे सर्व करने से पहले ऊपर से भी कुछ कटे हुए ड्राई नट से गार्निश कर देंगे। तो इस तरह से गाइज हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रसीला सूजी का हलवा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इसका एंजॉय करें। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।